अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना, मैं भी खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह रमशा सुल्तान जी की वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं। चार वीडियो पर रिएक्शन देंगे और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को आप लोग पूरी एंड तक देखेंगे। बेहतरीन वीडियो है आज की, बहुत अच्छा टॉपिक है ये रमशा सुल्तान जी का, कि हर इंसान बस पैसे के पीछे भाग रहा है। बस पैसा चाहे अल्लाह ने जितनी नियमत दी हो, अच्छी बीवी दी हो, नेक बच्चे दिए हो, सब कुछ दिया हो, लेकिन फिर भी वो चाह रहा है कि वो बड़ा पैसा खूब आ जाए, खूब पैसा आ जाए। लेकिन वो ये नहीं जानता अल्लाह की दी हुई हर चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र इतना हो सके अदा करें, अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मैंने इससे पहले भी बताया था कि मेरे चैनल में कुछ दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मेरा उतना ज़्यादा चैनल ग्रो करेगा। जितनी आप लोग लाइक करेंगे मुझे सपोर्ट में करेंगे और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो इंशाल्लाह मेरा चैनल जल्द से जल्द ग्रो करेगा और मोनेटाइज भी हो जाएगा। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी किया करिए। अपने ग्रुप में शेयर करें मेरे चैनल को, जितना ज़्यादा ज़्यादा व्हाट्सअप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पर शेयर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी आपकी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। हर कोई पैसों को लेकर परेशान है। अल्लाह ने चाहे ज़िंदगी में कितनी सारी और नेमतें दे दी हों, पर इंसान को चाहिए कि बस मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस ये होना चाहिए, मुझे सोशल मीडिया पे जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं वैसे ट्रैवलिंग करनी है, मुझे बिजनेस क्लास में जाना है। ये एक लाइफस्टाइल, एक फिक्स एक पैटर्न है, लोगों को सिर्फ यही चाहिए। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो है जिसके पास सेहत है और सुकून है कल्ब। मेरे पास लोग आते हैं, बीमार लोग आते हैं, उनसे पूछे। मेरे पास एक खातून आई, वो अल्लाह ने उनको बड़ी माल और दौलत से नवाजा, लेकिन इतनी एंग्जाइटी डिप्रेशन में चली गई। उनके अपने मुंह के अल्फाज थे कि एक वक्त था कि मैं चाहती थी दुनिया खरीद लूँ, आज मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ या अल्लाह सब कुछ वापस ले ले, सेहत दे दे मुझे वापस। कि अगर आपके सामने दस्तरखान है और आपके सामने नेमतें ही नेमतें हैं, खाने पीने की बेहतरीन चीज़ें पड़ी हुई, और अल्लाह आपकी भूख छीन ले, तो आप आसमान की तरफ देख के फरियाद करोगे कि या अल्लाह ये भूख वापस कर दे, इस खुराक का मैं क्या करूँ। तो ये था हमारा पहला रिएक्शन रमशा सुल्तान जी का चैनल की वीडियो थी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो वाकई में अच्छी भी थी तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो का एंड तक देखा करिए। टॉपिक पता चलता है कि क्या किस टॉपिक पर वीडियो चल रही है। तो ये पहली वीडियो भी थी, अब इंशाल्लाह दूसरी वीडियो रिएक्शन देंगे। उससे पहले आपसे कुछ बातें करते हैं। तो अब इंशाल्लाह दूसरी वीडियो रमशा सुल्तान जी की शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। बेहतरीन वीडियो है ये, शादी के टॉपिक पे है, जो आजकल की न्यू जनरेशन है इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। कि शादी में इतनी रस्में और रिवाज इतनी मुश्किल कर दिए शादी को कि हर आदमी आजकल परेशान है शादी को लेके, चाहे लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले हों, ये करना है वो करना है, इतने हज़ारों को क्या बोलते हैं खाना करना है। जबकि शरीयत में इतनी आसान बताया है शादी कि बस लड़का लड़का राज़ी हो जाए, मस्जिद में निकाह पढ़ा दीजिए। और हाँ, वलीमा लड़के के ऊपर बताया कि वलीमा लड़का क्या बोलते हैं करे बढ़िया धूमधाम से जितनी उसकी हैसियत हो। तो इतना आसान ये शादी है, लेकिन लोगों ने इतना मुश्किल बताया, इतने रस्में इतनी रिवाजें हैं, इतने फलाने या ढिमाके तमाम चीज़ें उसने मिस कर दी है कि गरीब आदमी तो सोच सोच के परेशान है कि जिसकी कई एक लड़कियाँ हैं तो वो शादी कैसे करेगा। तो उसी टॉपिक पर ये छोटी सी वीडियो है, तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ। तो चलिए आइए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कि हमने निकाह को इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया है, सबसे बड़ा चैलेंज यंग जनरेशन के लिए बन गया है, क्योंकि जो पिछली जनरेशन है उनकी रस्में और रिवाज ही ख़त्म नहीं होते कि ये ट्रेडिशन, ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है। जो चीज़ अल्लाह ने आसान करी थी हमने वो मुश्किल कर दी। इसलिए मैं ज़्यादा निकाह में नहीं जाता, शादियों में नहीं जाता। उस दिन भी एक खातून आई, उन्होंने कहा कि जी मेरा बेटा 20 साल का है और उसने कहा है कि मुझे फलानी एक लड़की है वो पसंद है, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उससे मेरा निकाह करा दें। तो मैंने उनको समझाया कि इसको इनकार ना करें, बगैर पसंद के तो शादी है ही नहीं इस्लाम में, लेकिन आप उसके लिए अब जो है रास्ते में पत्थर डाल रहे हैं और उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, तो वो किसके पास जाएगा? 300-400 लोगों को बुलाएंगे, फिर हम 50,000 लोगों के सामने नुमाइश करेंगे सोशल मीडिया पर कि देखो हमने कितनी धूमधाम से अपने बच्चे की शादी की। लोगों को भी तो दिखाना है ना, कंपैरिजन ने इंसान का तो ये था हमारा दूसरी वीडियो रिएक्शन, जो उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ मैं इस टॉपिक पे बड़ी वीडियो पर रिएक्शन ज़रूर दूंगा, वो भी रमशा सुल्तान जी की ही है। इंशाल्लाह चाहता बहुत जल्द मैं रिएक्शन दूंगा। तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और वाकई में शादी का मामला बहुत टेढ़ा कर दिया आजकल लोगों ने,
कि वो ये फलाने रस्म है, वो हल्दी रस्म है, ढोल बजना चाहिए, ताशे बजना चाहिए और डांस वास होना चाहिए, रजेगा होना चाहिए, मांझा होना चाहिए, तमाम चीज़ें ये खुराफातें जो हैं जो शादी से कोई ताल्लुक़ नहीं इनका, ये बनाई हुई रस्में हैं जो हम लोग उसको फॉलो करते चले आ रहे हैं। तो कोशिश करें इन सब से दूर हो जाएं और इनसे बचें और शादी एकदम सिंपल सादगी से करें। मस्जिद में निकाह पढ़ा दें और लड़के वाले को ये चाहिए कि वो अपना वलीमा धूमधाम से करना चाहे बिल्कुल करें, अपनी हैसियत के मुताबिक, शादी का यही मामला है। लड़की वालों को खूब के मेहमान ले आएंगे खिलाने के लिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो कोशिश करें अपने उलमाओं से राय ले लें, मशवरा कर लें कि क्या हमारी शरीयत ने बताया है और उस पर अमल भी करें। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। अब इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ ये तीसरी वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, उससे पहले आपसे कुछ बातें करते हैं। तो ये तीसरी वीडियो इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो आप लोग एंड तक देखिए। बेहतरीन वीडियो है आज की और अक्सर क्या होता है नज़र लग जाती है, हम लोग तमाम टोटके करते हैं कि नींबू से और मिर्चे से, मतलब अगलम बगलम चीज़ें जो भी पुरानी रस्म रिवाज चली जा रही, किसी ने बता दिया, हम कहीं कहीं हमारे फला दादा के वो अम्मा ने बताया था और ये इससे नज़र उतर जाती है। तो नज़र उतारना देखिए एकदम आसान तरीका है, नज़र किसी से भी लग जाती है, नज़र वाकई में लगती है और नज़र से बचना चाहिए। तो उसका देखिए कितना आसान तरीका रामशाह सुल्तान जी ने बताया है। इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा और इस पर अमल भी करिएगा। नज़र उतारने एकदम आसान तरीका बताया है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी बाबा के जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद ही आप उसको अमल कर सकते हैं और उस पर नज़र उतार सकते हैं। तो चलिए आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। अगर आपको नज़र लग जाए तो आप अपनी नज़र खुद उतार सकते हैं, किसी भी तरीके का सुपरस्टिशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। नज़र उतारने का सही तरीका ये है, रात को सोने से पहले सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास तीन तीन बार पढ़कर अपने ऊपर फूंक लें। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ऐसा करने से हर तरीके की जेलेसी, बुरी नज़र और काले जादू से बचा जा सकता है। आयतल कुर्सी पढ़ें, क्योंकि जो भी आयतल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह उसे प्रोटेक्ट करता है और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखता है। सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ें, जिस घर में भी सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। नज़र उतारने की एक ख़ास दुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह हर तरीके के बुरे इंसान, शैतान और जिन से ज़्यादा पावरफुल है। अल्लाह इज़ योर प्रोटेक्टर एंड ही विल प्रोटेक्ट यू। तो ये था हमारा तीसरा रिएक्शन, जो एकदम आसान तरीका देखिए नज़र उतारने का बताया रामशाह सुल्तान जी ने, और एकदम आसान तरीका है, ये टोटके करने की ज़रूरत भी नहीं है और बाबाओं का चक्कर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद माँ अपने बच्चों की नज़र उतार सकती है। बस तरीका सही होना चाहिए, वो तरीका समझ लें अच्छी तरह से, और नज़र उतारने में एकदम आसान तरीका है और नज़र वाकई में लगती है, ये बस सही, नज़र किसी की भी लग सकती है, नज़र माँ की अपने बच्चों की लग सकती है, किसी से भी नज़र किसी की लग सकती है और नज़र बहुत ख़राब होती है। नज़र बताते हैं पत्थर कोई पिघला देती है, पत्थर के भी दो टुकड़े कर देती है नज़र, इतनी बुरी होती है नज़र, बहुत ख़राब होती है। तो कोशिश करें नज़र की दुआ है, तमाम दुआ हैं, बहुत से वजीफे हैं, उस पर आप अमल करें, पढ़ के दम करें, इंशाल्लाह जाकर नज़र हट जाएगी, उतर जाएगी और इस पर अमल भी करें और इस पर शेयर भी करें। तो चलिए इंशाल्लाह हम चौथी वीडियो पर रिएक्शन देंगे, उससे पहले आपसे कुछ बात करते हैं। अब इंशाल्लाह चौथी वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, उससे पहले मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। अब ये चौथी वीडियो है, आखिरी वीडियो यानी जिसमें रिएक्शन दे रहा हूँ, बेहतरीन वीडियो है। समझाने के तौर से देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितनी आजमाइशों से गुजारा है, कुएं में उनके भाइयों ने उनको ढकेल दिया, काफ़ी टाइम तक वो कुएं में बेचारे रहे, उसके बाद इजिप्ट में चले गए, गुलाम की तरह उनको भेज दिया गया और जुलेखा ने उनको झूठा इल्ज़ाम लगा के जेल भिजवा दिया, लेकिन उनका सब्र देखिए कि अल्लाह ताला ने उसी इजिप्ट का उनको सबसे पावरफुल बादशाह बना दिया और वहाँ का जो पहले का जो बादशाह था वो उसकी इज्जत करने लगा। तो उसी टॉपिक पे ये वीडियो है, तो आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब किया करिए। तो चलिए पहले वीडियो हम लोग इंशाल्लाह देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं।
यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मासूम बच्चे थे जब उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस अंधेरे कुएं में एक बहुत लंबा वक्त गुजारा। उनको गुलाम बनाकर इजिप्ट में बेचा गया और जब वो जवान हुए तो जुलेखा ने उन्हें झूठे इल्जाम में कई साल के लिए जेल में डलवा दिया। कई साल बाद एक ऐसा वक्त आया जब अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इजिप्ट का सबसे पावरफुल इंसान बना दिया। इजिप्ट का खजाना उनके अंडर था और इजिप्ट का बादशाह उनकी बहुत इज्जत करता था। अल्लाह प्लान्स आर बिगर देन ह्यूमन कॉन्स्पिरेसीज। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है और जिसे चाहता है उसे बुलंद मुकाम अता करता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में मुश्किल वक्त चल रहा है तो समझ जाइए कि ये अल्लाह का प्लान है और इंशाल्लाह इन अ लॉन्गर रन आपके लिए यही बेहतर है। तो ये था हमारा चौथा रिएक्शन, सबसे आखिरी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को सब अच्छी लगी होगी। चारों वीडियो में सबसे अच्छी वीडियो आपको कौन सी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। तो अल्लाह ताला सब्र करने वाले के साथ है। आज हमारा मामला ऐसा हो गया कि कोई भी मुसीबत, कोई परेशानी, कोई भी तकलीफ आ जाती है, हम दूसरों से गाने लगते हैं, अल्लाह के छोड़ के दूसरों से गाने लगते हैं। अल्लाह से तो कहते ही नहीं, अल्लाह से अल्लाह का जिक्र अस्कार करें, अल्लाह से बातें करें और अल्लाह से ही बताएं ये बात कि अल्लाह ताला मैं परेशान हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा ऐसा है वैसा है, जो भी शिकायत करनी हो अल्लाह से बताएं, अल्लाह उस परेशानी को दूर करेगा। और सबसे पहले अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। समझ लीजिए अल्लाह आजमाइश में मुब्तला करता है, आजमाइश करता है हर इंसान को। अल्लाह ताला आजमाइश में ज़रूर डालता है, तभी तो अल्लाह ताला हमको आजमाइश में डालेगा तो हम खड़े उतरेंगे, तभी तो अल्लाह ताला के नेक बंदे बनेंगे अगर हम आजमाइशों में खड़े उतर जाएंगे। एक से एक पैगंबर, बड़े बड़े पैगंबरों ने अल्लाह ताला ने आजमाइशों में डाल दिया, तो हम क्या चीज़ हैं। तो अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है, बस हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है और अल्लाह ताला का यकीन रखना है कि अल्लाह ताला हमको इससे निजात दिलाएगा। जो भी तकलीफें परेशानी हैं अल्लाह से दुआ करें और हम सब के लिए दुआ करें, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ करें, खैर की दुआ करें, खूब दुआ में याद रखें, कसरत से दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआ को जरूर कबूल करेगा और अल्लाह को राज़ी करने के लिए जिक्र अस्कार नमाज़ें खूब पढ़ें, नमाज़ की एहतमाम खूब पाबंदियों से करें। तो ये थी हमारा आज का रिएक्शन। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।